अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जाने फाती किचन और आज हम बना रहे हैं ईस्टर्न फास्टर चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने पॉट में 1 कप ऑयल ऐड कर दिया और इसको प्री हीट कर लिया है हमने। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 अनियन जो हमने बारीक कट कर ली हैं, मीडियम साइज़ की, ना ज़्यादा छोटी है ना ज़्यादा बड़ी। इसको हम लाइट गोल्डन कर लेंगे। देखिए हमारी अनियन लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसमें से थोड़ी सी अनियन को सेपरेट कर लेंगे। थोड़ी सी हमने अनियन निकाल दी, बाकी हम अदरक 2 सिप हम इसमें मोटर ऐड कर देंगे और जो हमने अनियन सेपरेट की है थोड़ी सी, वो हम जब दम लगाएंगे उसमें हम यूज़ करेंगे। अब हम इसे थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर देते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। मैं 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ, इस वजह से मैं 2 मरतबा ऐड कर रही हूँ। ये 1 टेबल स्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ की है। हल्दी हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, हल्दी चाहिए 1 टीस्पून। ग्रीन चिली का पेस्ट हमें चाहिए 2 टेबल स्पून। और अब हम इसका अच्छा सा मसाला भून लेंगे। इसके अंदर हम अभी ही ऐड कर देंगे टमाटो जो हमने 3 अदद ले लिए हैं, वो भी हम इसके अंदर अभी ऐड कर देंगे। साथ हमारी अनियन भी मैश हो जाएगी और हमारे टमाटोज का जो वाटर है ये भी रिड्यूस हो जाना है और अच्छा सा हमारा मसाला भून जाएगा। 3 हमने मीडियम साइज के लार्ज टमाटोज ले लिए हैं और इसे हम ऐड कर देंगे। मसाले का भून लेते हैं। इसको हमने पीस के इसका पेस्ट बना लिया टमाटो को और इसका हम मसाला भून लेते हैं। इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड कर देंगे और अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और अब हम कुछ स्पाइसेस हैं हमारे पास, इसको हम पीस लेंगे बारीक। ड्राई स्पाइसेस छोटी सी हमने जावित्री ले ली है, छोटा सा जायफल का पीस, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं हमारे पास, 4 अदद छोटी इलायचियाँ हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 2 हमारे पास तेज़ पत्ते हैं और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। हम इसको अच्छी तरह बारीक पीस लेते हैं इस मसाले को और हम इसको भी बाद में यूज़ करेंगे। अब हम इसके अंदर 1/8 हमने स्टार नीज लिया है, इसको छोटा तोड़ दिया मैंने, इसकी लीक को ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन हमारे पास 1 kg है सारा, हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे अपना। पोटैटोज हमने ले लिए हैं, ये भी हमारे पास 3 अदद हैं, इसको हमने पील ऑफ कर लिया है और बड़े बड़े स्लाइस में कट कर दिया है। आप चाहते हैं तो ऐड कर लें, अदरवाइज आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। हम इसको ऐड करके अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1/2 कप योगर्ट। इस पॉइंट पर हम इसमें 1/2 कप योगर्ट यूज़ करेंगे। इसको अच्छा सा बीट कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना हो, हमारी योगर्ट फटेगा और हमारा चिकन भी अच्छा सा भुनना स्टार्ट हो जाए। अब हम इस पॉइंट पर जो हमने ड्राई स्पाइसेस पीसे हैं ये ऐड कर देंगे। हमें ज़्यादा बारीक इनमें स्पाइसेस को नहीं करना, बस दरदरा सा इसको हमें पीसना है। इसमें ऐड कर देंगे और भूनेंगे हम थोड़ा थोड़ा 1/1 सिप हम इसमें वाटर ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छा सा मसाले को भूनते जाएंगे। जब तक हमारा चिकन मसाला भून रहा है हम इसमें पानी बॉईल कर रहे थे अपने राइस के लिए, तो हमने 3 अदद बड़ी इलायची डाल दी, सॉरी दालचीनी ऐड कर दी है, लौंगे ऐड कर दी हैं 6 से 7 अदद, काली मिर्च 10 अदद और इसको हम पानी को बॉईल कर लेंगे अच्छा सा। इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे और इस पानी को बॉईल कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें चावल अपने ऐड करेंगे। देखो हमारा चिकन अच्छा सा भुन चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून हमने मेथी ले ली है, इसको हैंड क्रश कर लिया और ये ऐड कर देंगे हम इसके अंदर और इसको 1 से 2 मिनट और स्टर कर लेते हैं और अपने राइस बॉईल कर लेते हैं हम। और चिकन और पोटैटोज हमारे अच्छे से टेंडर हो चुके हैं, इसकी फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। देखिए हमारा पानी बॉईल हो चुका है अच्छा सा। अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। मैंने 1 kg राइस ले लिए हैं जो 25 मिनट पहले मैंने वॉश करके सॉक करने रख दिए थे।
इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे एक बार। और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, इसमें बॉईल आ जाएगा। एक कनी तक हमने सिर्फ इसके राइस को बॉईल करना है, उसके बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। देखिए हमारे राइस रेडी हो चुके हैं, हम इसको ऐसे चेक करेंगे बिल्कुल परफेक्ट हैं एक कनी। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं फ्लेम को ऑफ करके। अब हमने राइस स्ट्रेन कर लिया, अब हम इसका लेयर लगा लेते हैं। हाफ मसाला हम लास्ट में सबसे पहले जो है हमारी लेयर उसमें ऐड कर देंगे। हमने इसको मसाले को ज़्यादा थिक नहीं रखना, मैं हर मरतबा आपको बिरयानी की रेसिपी में यही बताती हूँ कि इसको हमें ज़्यादा थिक मसाले को नहीं रखना, थोड़ा सा थिन ही रखना है, बाद में ये खुद ही एडजस्ट हो जाता है, वरना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। इसमें हम राइस ऐड कर देंगे, हाफ राइस इसमें ऐड कर देंगे। जो हमारा चिकन का सालन है अब हम ये ऐड कर देंगे बाकी का। पुदीना ऐड कर देंगे हम इसमें, हाफ बंच हमने पुदीना ले लिया है, ये सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। सेंटर की लेयर में ही ऐड करना है हमें इसे। और जो हमने अनियन सेपरेट की थी स्टार्ट में, भुनी हुई अनियन, ये भी ऐड कर देंगे हम। और जो हमारे राइस बचे हैं थोड़े से, ये भी ऐड कर देंगे, उसे हम थोड़ा सा इवन कर लेते हैं। और अब जर्दे का कलर ऐड कर देंगे हम इसके ऊपर, और इसे हम 10 मिनट दम के लिए रख देंगे। मैंने तवे के ऊपर पॉट को रख दिया है हाई फ्लेम पर, अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम दम देंगे 10 मिनट के लिए। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। देखिए हमारी बिरयानी रेडी है माशाल्लाह से। देखिए हमारी बिरयानी रेडी है माशाल्लाह से, 10 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट दम लग चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारी ईस्टर्न फास्टर चिकन बिरयानी रेडी टू ईट है, आप इसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर देखने को मिले। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय आपके चैनल, अल्लाह हाफिज़।